नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर देवेंद्र सिंह पे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं 300 स्क्वायर फीट का बहुत ही शानदार सा होम डिज़ाइन, और जो कि बहुत ही कम बजट में बनाया गया है। दोस्तों अगर जो आप ये होम डिज़ाइन बनवाना चाहते हो तो हमारे दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसको बनवाने का बजट नियरली 1 लाख के अबाउट पड़ेगा। दोस्तों फ्रंट के साइड हम लोगों ने 2 विंडो प्रोवाइड किया है और साथ में एक बहुत ही प्यारा सा डोर प्रोवाइड किया है। दोस्तों विंडो का साइज़ आइए देख लेते हैं क्या विंडो का साइज़ है। तो हम लोगों ने 3 फिट का अपना विंडो का साइज़ रखा हुआ है। एक साइड का 3 फिट है और एक साइड का 4 फिट है। 3 फिट बाय 4 फिट का अपना विंडो का साइज़ है दोस्तों। और डोर की जो हाइट हम लोगों ने रखी हुई है यहाँ पे वो 7 फिट की हम लोगों ने हाइट रखी हुई है दोस्तों। और फ्रंट में हम लोगों ने जो एलिवेशन का यूज़ किया हुआ है टेक्सचर के लिए, हम लोगों ने फ्रंट में ब्रिक वर्क का यूज़ किया हुआ, आप देख सकते हो। ब्रिक वर्क से क्या होगा, आपके कंस्ट्रक्शन का बजट जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा दोस्तों। अगर जो आप यहाँ पे टाइल्स और पेंट का यूज़ करते तो यहाँ पे आपका बजट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर जो मैं छत की बात करूँ, छत पे खाली मैंने यहाँ टंकी रखी हुई है, यहाँ पे आप साइड साइड में गमले भी रख सकते हो और झूला भी लगा सकते हो, जिससे आपका जो छत की डिज़ाइन होगी वो बहुत अच्छी बन जाएगी। और इसको बनवाने का बजट जो आएगा दोस्तों वो 1 लाख के नियर अबाउट आएगा दोस्तों। अब हम लोग इसकी जो हाइट देख लेते हैं, बिल्डिंग की क्या हाइट है अपने घर की, इस घर की हाइट क्या है। इस घर की जो हाइट है वो 9 फिट के आसपास की अपनी हाइट है और पैराफिट वॉल जो है वो 3 फिट के नियर अबाउट का है दोस्तों। हम लोगों ने इसमें एलिवेशन का क्या ध्यान रखा हुआ है, एलिवेशन बनवाते टाइम यहाँ पे हम लोगों ने देखी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रिक वर्क का यूज़ किया हुआ, ब्रिक वर्क से डिज़ाइन बनी हुई है और सीमेंट से डिज़ाइन बनी हुई है दोस्तों, और किसी और चीज़ का हम लोगों ने यूज़ नहीं किया इसमें। और यहाँ पे एक छोटा सा हम लोगों ने एक गार्डन बनाया हुआ, गार्डन टाइप का, जिससे आप यहाँ पे एक फ्लावर्स लगा सकते हो। ये सीमेंट का बना हुआ है दोस्तों और ऐसा डिज़ाइन बहुत ही कम बजट में बना हुआ है दोस्तों। इसको बनवाने का बजट सिर्फ और सिर्फ 1 लाख आएगा दोस्तों। अगर जो आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे भविष्य में मैं आपके लिए 1 लाख के बजट के और अच्छे से अच्छे होम डिज़ाइन लेके आऊँ। और आने वाले टाइम में मैं 50,000 के भी बजट के होम डिज़ाइन लाने वाला हूँ दोस्तों। आपने सही सुना, 50,000 के बजट का भी होम डिज़ाइन मैं लेके आऊँगा दोस्तों फ्यूचर में। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं, इसका अभी हम लोग पूरा फ्लोर प्लान डिस्कस करेंगे आपसे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसका फ्लोर प्लान डिस्कस करते हैं, पूरा फ्लोर प्लान। आपने एलिवेशन तो चारों साइड से देख लिया होगा, एक बार इसकी लंबाई चौड़ाई देख लीजिए। इसकी जो चौड़ाई है, जो मतलब जो फ्रंट का साइज है, वो फ्रंट का साइज जो है अपना 15 फिट का है। ये देखिए अपना जो है फ्रंट जो है अपना 15 फिट का है यहाँ पे। ये देखिए 15 फिट दिखा रहा है यहाँ पे, 15 फिट अपना फ्रंट है। और इसका जो विथ है यहाँ का वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का 20 फिट, 15 फिट बाय 20 फिट में हम लोगों ने प्लॉट को डिजाइनिंग किया हुआ है। और पीछे यहाँ पे हम लोगों ने स्टेयरकेस डाला हुआ है दोस्तों। दोस्तों बजट कम करना था, स्पेस कम था, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें हम लोगों ने 1 बेडरूम डिज़ाइन किया हुआ। तो चलिए अब हम लोग अपने प्लानिंग की तरफ चलते हैं और पूरा इसका डिज़ाइन देखते हैं A to Z की, कैसे कैसे इसको हम लोगों ने बनाया है पूरा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग प्लानिंग की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग घर का नक्शा देखते हैं, पूरा घर का क्या क्या नक्शा बनता है दोस्तों इस घर का, जो आपने इससे पहले देखा है पूरा। तो यहाँ से था, ये था अपना प्लॉट का साइज़ देख लेते हैं एक बार, 15 फिट बाई 20 फिट। ये अपना हाउस का प्लॉट का साइज़ था दोस्तों। हम लोगों का जो फ्रंट था वो 15 फिट था। यहाँ से होती है अपनी एंट्री, एंट्री के सामने हम लोगों ने 2 विंडो प्रोवाइड किया हुआ, 2 विंडो इसलिए प्रोवाइड किया हुआ जिससे बहुत अच्छे से वेंटिलेशन हो सके दोस्तों। तो ये था दोस्तों, जैसे आप एंट्री करोगे दोस्तों तो सामने आपको यहाँ पर एक लिविंग रूम मिलेगा और लिविंग रूम के अपोजिट में यहाँ पर आपको जो है एक किचन मिल जाएगा दोस्तों। लिविंग रूम काफ़ी स्पेशियस है, आप देख सकते हो। एक छोटे एरिया में हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। 1 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन है दोस्तों। इसमें हम लोगों ने लिविंग रूम प्लस किचन को कंबाइन रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ से कोई गेस्ट आता है तो यहाँ पे अपना लिविंग एरिया में आराम से बैठ सकता है, सिट आउट कर सकता है, और यहाँ पर पीछे हम लोग खाना भी खा सकता है। और यहाँ पर हम लोगों ने पीछे किचन भी प्रोवाइड किया हुआ है साथ में दोस्तों। बाकायदा विंडो प्रोवाइड की गई, विंडो इसलिए प्रोवाइड की गई है जिससे यहाँ पर वेंटिलेशन बहुत अच्छे से हो सके दोस्तों। छोटे घर में भी हम लोगों ने वेंटिलेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है दोस्तों। इसके बाद आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा बेडरूम मिल जाएगा। बेडरूम का ये यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ पे आप टीवी भी लगा सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे स्टडी टेबल भी रख सकते हो। जैसा आप चाहो वैसा आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो अपने हिसाब से। हम लोगों ने वॉल का जो पेंट है वाइट रखा हुआ है, आप चाहो तो इसको पेंट भी करवा सकते हो। और यहाँ पर हम लोगों ने स्टोन्स लगाया हुआ है, आप चाहो तो उसमें खाली सीमेंटेड डिज़ाइन करवा सकते हो बजट कम करने के लिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग इसी से जस्ट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को जो मिलेगा, ये टॉयलेट नहीं है दोस्तों, ये एक ODS है, ओपन टू स्काई, ये खुला रहेगा। यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख सकते हो, कपड़े सुखा सकते हो, वो सारे काम यहाँ पर आप कर सकते हो। यहाँ पर खाली हम लोगों ने 1 बाथरूम प्रोवाइड किया हुआ है, जिसका ओपनिंग जो होगा अपना लिविंग रूम के साइड से ओपनिंग होगा, जिसको गेस्ट रूम भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर बेडरूम में रहने वाला आदमी भी यूज़ कर सकता है दोस्तों। तो ये था अपना
एक बहुत ही शानदार सा 15 फीट बाय 20 फीट का हाउस प्लान दोस्तों। इसको बनवाने का बजट दोस्तों 1 लाख के नियर अबाउट आएगा, 1 लाख से ज़्यादा नहीं आएगा दोस्तों। इसको आप आराम से बनवा सकते हो। अगर जो आप हमसे प्लान बनवाना चाहते हो तो हमारे दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो दोस्तों। बाकी हमारी सारी पेड सर्विसेज होती है। तो ये था अपना पूरा फ्लोर प्लान दोस्तों। आप देख लो टॉप व्यू, डाउन व्यू, सारा सारा टाइप का व्यूज़ देख लो दोस्तों यहाँ से। तो इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें, जो आउटर वॉल हम लोगों ने रखी है वो 9 इंची की रखी है और इनर वॉल जो है वो 4.5 इंची की है दोस्तों। बाकी अब हम लोग इसका जो है डायमेंशन लेआउट देख लेते हैं कि डायमेंशन लेआउट क्या क्या है, बेडरूम का क्या साइज़ है, हॉल का क्या साइज़ है, किचन का क्या साइज़ है और साथ में अपना टॉयलेट और OTS का क्या क्या साइज़ है, डायमेंशन क्या है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग डायमेंशन देखते हैं। सबसे पहले अपना किचन का देख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे देखिए किचन सेपरेट रखा हुआ है और वहाँ पे मैंने हॉल में मैंने किचन ओपन रख दिया। देखिए किचन आप चाहो तो सेपरेट भी कर सकते हो, चाहो तो आप ओपन भी कर सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा आप कर सकते हो दोस्तों। तो किचन की जो साइज़ है वो 8 फिट बाय 5 फिट 8 इंच की है दोस्तों और लिविंग रूम का जो साइज़ है दोस्तों वो 8 फिट 4 इंच बाय 8 फिट का है दोस्तों। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बेडरूम का साइज़ देखते हैं। बेडरूम का जो साइज़ है दोस्तों वो 9 फिट का है इधर से और इधर से जो है यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये अपना 9 फिट का है दोस्तों। बेडरूम का साइज़ ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 9 फिट का है। इसको हम टॉप व्यू कर लेते हैं जिससे हम लोग क्लियर दिखा सकें। ये देखिए 9 फिट का है अपना बेडरूम का साइज़ और यहाँ का 9 फिट बाय 11 फिट जो कि एक बहुत बड़ा सा बेडरूम है, एक अच्छा साइज़ है दोस्तों। हम लोगों ने 9 बाय 11 में एक बेडरूम का साइज़ रखा है, एक बेडरूम का दोस्तों। अगर कोई छोटी फैमिली है तो उसके लिए ये घर बहुत ही बेस्ट है और जिसका कोई ज़्यादा बजट भी नहीं बनवाने का तो उसके लिए ये घर सबसे बेस्ट है। आप इसको एक बेडरूम देके आराम से इसका घर बनवा सकते हो दोस्तों। एक बेडरूम, एक हॉल, एक किचन, बजट 1 लाख, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख दोस्तों। ये देखिए टॉयलेट का जो साइज़ है 5 फिट बाय 6 फिट का है दोस्तों। अब कई दोस्त सोच रहे होंगे कि 1 लाख बजट कैसे हो सकता है किसी भी घर का, कि आजकल महंगाई इतनी बढ़ चुकी है तो 1 लाख बजट कैसे है? दोस्तों PM आवास विकास योजना के तहत ये घर बनवाया गया है और जब आप किसी घर को PM आवास विकास योजना के तहत बनवाते हो तो 3 से 4 लाख की आपको सब्सिडी मिल जाती है आराम से। तो आपका नियरली बहुत कम से कम 1 लाख रुपए लगता है, तो आराम से ये वाला घर जो होता है वो बन जाता है आपको। आजकल 2023-24 में आप PM आवास विकास योजना के तहत आप अप्लाई भी कर सकते हो ऑनलाइन। तो हम लोग OTS का साइज देख लेते हैं, 4 फिट 8 इंच बाय 5 फिट, ये अपना OTS का साइज है दोस्तों। तो ये था दोस्तों अपना पूरा नक्शा। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऊपर बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस देख सके। आने वाले टाइम में 50,000 के भी घर लाने वाला हूं आप सबके लिए जो कि टीन के बने होंगे और भी नए नए कंसेप्ट में आपको डिज़ाइन ला के दूंगा जो कि बहुत ही कम बजट है, 2 लाख 3 लाख 5 लाख के सारे बजट के होम डिज़ाइन है। और बाकी आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ढेर सारी हमने वीडियोज़ डाल रखी है दोस्तों PM आवास विकास योजना के तहत। 3 बेडरूम वाले घर के डिज़ाइन, 4 बेडरूम वाले घर के डिज़ाइन, 2 बेडरूम 1 बेडरूम वाले घर के डिज़ाइन, कम से कम बजट वाले होम के डिज़ाइन, सब कुछ पड़ा हुआ दोस्तों। तो जाइए देखिए दोस्तों। बाकी इतना टाइम देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और फिर हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।